मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मोहन जी, आज आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं, क्या अखिलेश यादव की जो सियासी जमीन है उस पर कहीं ना कहीं फसल उगाने का मन है? देखिए, मैं गैर राजनीतिक मंच पर समाज के स्वजनों के बुलावे पर आया हूँ और मैंने अपनी बात इसी प्रकार से कही जो एक समाज के नाते से कही जाना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इस अवसर पर कोई राजनीतिक बात होना चाहिए। आप इसके पहले आजमगढ़ गए थे, आज मोहनलालगंज जिस लोकसभा में आए हैं, यादव बाहुल्य लोकसभा है, किस तरीके से क्या अपील अपने समाज के लोगों के बीच में करना चाहेंगे? संगठित रहें, शिक्षित बने, आगे बढ़े, लोकतंत्र में यही जरूरत है। अखिलेश यादव के लिए कोई संदेश? नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। इस बार जो लोकसभा के चुनाव है उसको लेकर के कैसी रणनीति क्या कहना चाहेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री की बाहर चल रही है, खास करके अब की बार 400 पार। निश्चित रूप से मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के कारण जनता उनको न केवल देश में बल्कि दुनिया के वो सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आए, तो मोदी जी के कार्यकाल को कोई चुनौती नहीं है और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। राम का मंदिर बन चुका है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम सब हर किसी भारतीय की भावना है कि ये भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है वहाँ मंदिर बने, लेकिन अभी ये कोर्ट में विचाराधीन है। स्वाभाविक रूप से हम मान के चलेंगे, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, अच्छे से वो फैसला होगा तो अच्छा रहेगा।